बार बार वीडियो क्यों बनाई? कराची के इलाके सखी हसन के सरीना मोबाइल मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। यूट्यूबर साद अहमद जान से गया, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में कलदम टीटीपी क्या फिर सरगर्म? सोहराब गोठ में तैनात पुलिस अहलकार के कत्ल में कलदम तंजीम मुलव्वस निकली। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर कलदम तंजीम ने कबूल कर ली। कलदम तंजीम ने, दहशतगर्द तंजीम ने एक कल जो है वो जारी किया है एक अपना बयान, उसको भी हम देख रहे हैं। और बाकी जो हमारे मुल्क की जो बाकी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी तमाम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लूटमार की सेंट्री करने वाले सगे भाई कराची से गिरफ्तार। गैंग चार कारिंदों पर मुश्तमिल। एसएसपी क्लिफ्टन कहते हैं मुलजमान पर पंजाब में 93, सिंध में 5 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान के जेरे इस्तेमाल कार मिल गई, असलहा तलाई जेवरात बरामद। सीपेक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, चीनी कंपनियों के साथ तिजारत करेंगे। पूरी उम्मीद है कि चीनी क्यादत हमारा साथ देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन में मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को ही वजीर आजम रहना चाहिए, तब्दीली खतरनाक होगी। नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से शहबाज शरीफ पर एतमाद पैदा हुआ। हुकूमत का हिस्सा बनने का अभी कोई फैसला नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मसले हल हो जाते, फायदा पीटीआई के लोगों को होता। सियासी जमातें अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, कहा अदालत पर हर चीज का मलबा न डालें। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है, 25 जून तक हमें हमारी नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं यकीन है इलेक्शन कमीशन उन्हें सर्टिफिकेट दे देगा। बानी पीटीआई मुल्क तोड़ना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ ने डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया। शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ नफरत और इंतशार का बयानिया जहनों में ठूंस रही है। पीटीआई पाबंदी की जानिब जा रही है, मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। फैसल वाउडा का अदलिया मुखालिफ बयान पर माफी मांगने से इनकार, मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। मुजफ्फराबाद की एटीसी ने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, महफूज फैसला सुना दिया। अहलिया उरूज जैनब का फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी को जिल्लत आमेज शिकस्त। मोदी लोकसभा इलेक्शन में दो तिहाई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं मोदी ने चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी। भारतीय आवाम ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे कारजो बोले मोदी के 10 साल हिंदुस्तानी अकलियतों के लिए तकलीफ देह है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धचका, समाजवादी पार्टी 33 नशिस्तों के साथ आगे। अयोध्या में भी बीजेपी को हजीमत का सामना, इलेक्शन में बॉलीवुड स्टार के भी कड़े मुकाबले। बीजेपी के चेहरे स्मृति ईरानी को शिकस्त। ड्रीम गर्ल हिमा मालिनी, कंगना रनावत, रवि किशन इलेक्शन जीत गए। शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, अरुण गोयल और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान भी कामयाब। मुल्क में प्री मानसून का सिलसिला जारी, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात। मानसरे के सियाहती मकामात नारान का आगाम में बारिश, मौसम खुशगवार। पिशावर और कोहाट में भी बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। और वादी गलियात और अयूबिया की रौनकें मान पड़ गईं। सयाह चेयरलिफ्ट की तफरी से महरूम, चेयरलिफ्ट खस्ता हाली के बाइस बंद की गई।